न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। हिंसा की आग में तकरीबन दो साल से जल रहे मणिपुर के जख्म पर सरकार ने मरहम लगाने की तैयारी कर ली है। मणिपुर में हमलों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर के 5 जिलों को ASFPA यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। मणिपुर में 20 अतिरिक्त CFPF कंपनियां तैनात। उग्रवादियों को भुगतना होगा अंजाम। हिंसा की आग में तकरीबन दो साल से जल रहे मणिपुर के जख्म पर सरकार ने मरहम लगाने की तैयारी कर ली है। मणिपुर में हमलों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर के 5 जिलों को AFSPA यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स के तहत अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। मणिपुर के इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, जिरीबाम, कांगपोकापाई और विष्णुपुर के 6 पुलिस स्टेशनों को AFSPA के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी कि इन इलाकों में अब फिर से AFSPA लागू कर दिया गया है। मणिपुर में 2000 कर्मियों वाली 20 अतिरिक्त CFPF कंपनियों को भेजा गया है। इन यूनिट्स को हवाई मार्ग से लाने और तत्काल तैनाती के आदेश दिए गए हैं। इनमें से CRPF की 15 और BSF की 5 कंपनियां शामिल हैं। अप्रैल 2022 में मणिपुर सरकार की ओर से बेहतर सुरक्षा स्थिति और आम जनता के बीच सुरक्षा की बड़ी भावना को देखते हुए इन क्षेत्रों से AFSPA को हटा लिया गया था। अब स्थिति बिगड़ने पर उसे फिर से लागू किया गया है। नया आदेश 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले 11 नवंबर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के साथ मुठभेड़ में कम से कम 11 संदिग्ध उग्रवादी मारे गए थे। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इन उग्रवादियों ने जिरीबाम जिले में CRPF कैंप पर अंधाधुन गोलीबारी की थी। भीषण मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने अत्याधुनिक हथियारों का एक बड़ा जखीरा भी जब्त किया था। इस एनकाउंटर के अगले दिन यानी 12 नवंबर को सशस्त्र आतंकवादियों ने जिरीबाम में कई महिलाओं और बच्चों समेत 6 लोगों को अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव और बढ़ गया। उससे पहले 7 नवंबर से शुरू हुई हिंसा में कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से लोगों को अगवा किया गया और हालात को बिगड़ता देख केंद्र हरकत में आई। मणिपुर के 5 उग्रवाद प्रभावित जिलों में AFSPA लागू करने का फैसला किया गया। गृह मंत्रालय ने तत्काल मणिपुर में CFPF की 20 कंपनियों को भेजने का आदेश दिया। ये इकाइयां CRPF की उन 198 कंपनियों में शामिल होंगी जो पिछले साल मणिपुर में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद राज्य में तैनात हैं। मणिपुर में सिक्योरिटी रिव्यू करने के बाद ये पाया गया कि मणिपुर में जारी जातीय हिंसा की वजह से यहां स्थिति अस्थिर बनी हुई है। इन इलाकों में रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। ऐसे में सामान्य जनजीवन और जिंदगियों को देखते हुए ये जरूरी समझा गया कि इन इलाकों में AFSPA लागू कर दिया जाए। उसके बाद केंद्र सरकार ने मणिपुर के 5 उग्रवाद प्रभावित जिलों में AFSPA लागू करने का फैसला किया।
मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा की शुरुआत से लेकर अब तक इस हिंसा की चपेट में आने से 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। हिंसा इम्फाल घाटी में रहने वाली मेईती समुदाय और आसपास की पहाड़ी इलाकों में रहने वाली कुकी जो समुदाय के बीच शुरू हुई थी। जिरीबाम जिला शुरू में इस संघर्ष से प्रभावित नहीं था, लेकिन जून 2024 में एक किसान का शव मिलने के बाद इस जिले में भी हिंसक झड़पें शुरू हुई और फिर धीरे धीरे हिंसा ने पूरे मणिपुर को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन अब केंद्र सरकार आर पार के मूड में है। विद्रोहियों और उपद्रवियों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मणिपुर के 5 जिलों में AFSPA को लागू करना सरकार की इसी मंशा को दर्शाता है। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। मणिपुर में अब उपद्रवियों की खैर नहीं होगी। AFSPA लागू होने के बाद सेना विद्रोहियों को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। दरअसल AFSPA अशांत क्षेत्रों को शांत करने के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों को असीमित ताकत देता है। इसके तहत सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्र घोषित एरिया में ये अधिकार मिल जाता है कि वो कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी वारंट और बाधा के कार्रवाई कर सकते हैं। AFSPA अधिनियम अशांत क्षेत्रों को शांत करने के तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों को असीमित ताकत देता है। इसे जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लागू कर सकती हैं। इसके तहत सुरक्षा बलों को अशांत क्षेत्र घोषित एरिया में ये अधिकार मिल जाता है कि वो कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी वारंट और बाधा के कार्रवाई कर सकती है। AFSPA को सबसे पहले असम क्षेत्र में नागा विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया गया था। AFSPA को सरकार तब लागू करती है जब आतंकवाद या विद्रोह का मामला होता है और भारत की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में होती है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी AFSPA को केवल अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इन जगहों पर सुरक्षा बल बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कई मामलों में बल प्रयोग भी हो सकता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को ये कानून पास किया गया था। 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर यहां भी 1990 में AFSPA लागू कर दिया गया। कौन कौन से क्षेत्र अशांत होंगे ये भी केंद्र सरकार ही तय करती है। भारतीय संसद ने विभिन्न क्षेत्रों में AFSPA के तहत 3 अलग अलग अधिनियमों को संसद के जरिए कानून बनाकर पारित किया है। AFSPA को सबसे पहले असम क्षेत्र में नागा विद्रोह से निपटने के लिए लागू किया गया था। एक बार जब किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो उसे 1976 के अशांत क्षेत्र अधिनियम के अनुसार कम से कम 3 महीने के लिए यथास्थिति बनाई रखनी होगी। AFSPA के तहत 3 अधिनियम कौन से हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। AFSPA के तहत अधिनियम है सशस्त्र बल विशेष शक्तियां असम और मणिपुर अधिनियम 1958, सशस्त्र बल पंजाब और चंडीगढ़ विशेष अधिनियम 1983, सशस्त्र बल जम्मू कश्मीर विशेष अधिकार नियम 1990। मणिपुर राज्य को पहली बार 1980 में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। 80 के दशक में मणिपुर में कई विद्रोही गुट सक्रिय थे।
इनमें यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ मणिपुर, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर और पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलीपाक शामिल थे। इन विद्रोही समूहों से मुकाबले के लिए मणिपुर में पहली बार AFSPA लागू किया गया था। उसके बाद से ही मणिपुर में ज्यादातर समय AFSPA लागू रहा। साल 2022 में मणिपुर के जिले के 15 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र की स्थिति को आंशिक रूप से हटा दिया गया था, लेकिन पहाड़ी जिलों में यह अधिनियम लागू थी। लेकिन मणिपुर में स्थिति लगातार बिगड़ने के बाद केंद्र सरकार ने 5 और जिलों में AFSPA लागू करने का फैसला किया है। मणिपुर के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में 1997 में AFSPA को लागू किया गया था, जब वहां आतंकवाद अपने चरम पर था। दरअसल त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। अठारह साल बाद मई 2015 में विद्रोही गतिविधियों में लगातार गिरावट के कारण त्रिपुरा से AFSPA वापस ले लिया गया। सरकार ने 1998 के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक रूप से 6 महीने की समीक्षा की और कम उग्रवादी गतिविधि और क्षेत्र के सामान्य कामकाज को देखते हुए AFSPA को वापस लेने का फैसला लिया। हालांकि त्रिपुरा तो अब शांत है, लेकिन मणिपुर में विद्रोही समूह रह कर फन उठाते रहते हैं, जिसे अब केंद्र सरकार ने पूरी तरह से कुचलने की तैयारी कर ली है। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच चल रही हिंसा को लगभग 500 दिन हो गए हैं। आरक्षण को लेकर शुरू हुई हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1100 से ज्यादा लोग हिंसा की वजह से घायल हो चुके हैं और 60,000 लोग घर छोड़कर रिफिल कैंप में रहने को मजबूर हैं। करीब 11,000 FIR दर्ज की गई है और 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आज भी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो पाई है और ना स्थिति बदली। मणिपुर में कुकी और मैतेई के बीच चल रही हिंसा को लगभग 500 दिन हो गए हैं। इस दौरान 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1100 से ज्यादा लोग हिंसा की वजह से घायल हो चुके हैं और 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हैं। करीब 11,000 FIR दर्ज की गई है और 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आज भी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं बदली है। 16 जिले वाले मणिपुर की कुल आबादी 38 लाख है, जिसमें ज्यादातर आबादी कुकी और मैतेई समुदाय की है। मैतेई समुदाय की कुल आबादी जनसंख्या का 53% है, जो ज्यादातर इम्फाल जिले में रहती है। वहीं 40% नागा कुकी की आबादी है, जो ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मैतेई को ST दर्जा देने की मांग को लेकर 3 मई 2023 को हिंसा की शुरुआत हुई थी, जिसमें अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1100 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हिंसा प्रभावित जिले की बात करें तो तेंगनूपाल, चुराचांदपुर, विष्णुपुर, इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट इनमें शामिल हैं। मणिपुर में हिंसा ने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं। इस दौरान जिंदा जलाने की वारदात, गला काटने की घटनाएं, गैंगरेप, महिलाओं की न्यूड परेड जैसे वारदात सामने आ चुकी है, जिसने पूरे देश को शर्मसार किया है। हिंसा के 500 दिन बाद भी मणिपुर दो हिस्सों में बटा है, पहाड़ी जिलों में कुकी हैं और मैदानी जिलों में मैतेई। दोनों के बीच सरहद खींची है, जिन्हें पार करने का मतलब है मौत को दावत देना। दोनों गुट ने एक तरह से अपनी अपनी सेना बना ली है, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं।
मैतेई गुट की बात करें तो इनमें शामिल है मैतेई लिपुन, आरामबी टैंगोल, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी। वहीं नागा कुकी गुट की बात करें तो इनमें कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी, जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। ये टीमें अपने अपने इलाकों में एक दूसरे की सुरक्षा कर रही हैं। मैतेई समुदाय में ज्यादातर हिंदू हैं, वहीं नागा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं और एसटी वर्ग में आते हैं। मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए। इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को एसटी में शामिल किया जाए। नागा कुकी दोनों जनजातियों ने मैतेई समुदाय को आरक्षण देने का पुरजोर विरोध किया। इनका कहना है कि राज्य की 60 में से 40 विधानसभा सीट पहले से ही मैतेई बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में एसटी वर्ग में मैतेई को आरक्षण मिलने से उनके अधिकारों का बंटवारा हो जाएगा। इसके बाद ही मणिपुर में हिंसा की आग भड़क उठी और इसने पूरे सूबे को अपने आगोश में ले लिया। जब मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा था तब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, निगरानी समिति और जांच समिति गठित की गई। उसमें बाहरी राज्यों के पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया। मणिपुर पुलिस को बाध्य किया गया कि वो हर जांच में सहयोग करेगी। तब उम्मीद बनी थी कि मणिपुर हिंसा की हकीकत जल्द सामने आ जाएगी और हिंसा रोकने में मदद मिलेगी, मगर उसका कोई भी असर नहीं हुआ। 1.5 साल से ज्यादा समय से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। आलम तो ये है कि यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। मणिपुर में हो रही हिंसा की आवाज संसद में भी कई बार उठ चुकी है। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। फिलहाल आज के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लड़की